स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब अपने विस्तार के लिए नए नए सियासी रास्ते खोजने के लिए आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सबसे पहला पड़ाव समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सभी 37 सांसदों का शुक्रवार को स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह के बहाने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन की मजबूती तलाशने में पूरी तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव में भी शिरकत करने के लिए जमीनी तैयारी में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद अपने विस्तार के लिए कई बड़ी योजनाएं तैयार की है। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो इस विस्तार में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर मजबूती के साथ अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसमें सबसे पहले सियासी जनाधार की मजबूती महाराष्ट्र में तैयार की जा रही है। इसके लिए पार्टी ने जातिगत समीकरणों के आधार पर महाराष्ट्र का पूरा सियासी रोड मैप तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर ही सपा ने कमर कसी हुई है। समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई विधायक अबू आजमी जो हैं उनके नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। और इसी क्रम में पार्टी के सभी सांसदों को एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बुलाया गया। ये बैठक होटल रंग शारदा ऑडिटोरियम में आयोजित हुई है और सपा इस दौरान उत्तर प्रदेश में विजय हुए पार्टी सांसदों का स्वागत किया। और सपा नेता ने बताया है कि महाराष्ट्र में 12 सीटों पर दावे के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बातचीत की जा रही है। सपा के पास राज्य में फिलहाल 2 विधायक हैं। विधायक अबू आजमी ने कहा है कि हमने सांसदों को धन्यवाद देने और स्वागत के लिए आमंत्रित किया और हमें उनकी भागीदारी की उम्मीद है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्याम खान जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दुबे साहब आपके साथ ही करते हैं। दुबे जी, किस तरह की तैयारियां हैं महाराष्ट्र में अपने पांव पसारने की और कितनी उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी उधर की तरफ रुख कर रही है? नहीं देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में तो हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसका विस्तार हो और उसी के तहत ठीक है हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और गठबंधन से शुभ संकेत आ रहे हैं कि हम महाराष्ट्र और हरियाणा में भी गठबंधन में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक शुभ संकेत ही कह सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि गठबंधन का असर भी पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि इस गठबंधन का असर नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव आएंगे महाराष्ट्र में विधानसभा के, तो हम सब सत्ता में होंगे, ये मैं आपसे श्योरिटी कह सकता हूँ। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है समाजवादी पार्टी की, क्या उम्मीदें क्या आशाएं हैं आप लोगों की? नहीं, ये तो ये देखिए, ये अभी जब बड़े नेता बैठेंगे चर्चा करेंगे उस समय की बात है। ये आज की बात इतना है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में भी रहेगा और हमारा गठबंधन हरियाणा में भी रहेगा। ठीक है शान खान जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में भी अपने पांव पसारने की समाजवादी पार्टी सोच रही है या उम्मीद कर रही है, तो सीटों के बंटवारे में क्या और पशुपेश की स्थिति हो सकती है या दिक्कतें बढ़ सकती है या उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है क्या? देखिए नेहा जी, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनका प्राथमिक कर्तव्य ये है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो जन विरोधी सरकार है, जो जनता के हित में ना काम करके जनता के विरोध में काम कर रही है, जो बेरोजगारी बढ़ा रही है, जो महंगाई बढ़ा रही है, जो भ्रष्टाचार लूट खसोट और घोटाला कर रही है, ऐसी सरकारों की विदाई करना ये
इंडिया गठबंधन के हर दल की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का हर घटक दल चुस्त है, दुरुस्त है, मुस्तैद है भाजपा को खदेड़ने के लिए, भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए। हमने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की शक्ति को स्थापित करके दिखा दिया और जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें भी कांग्रेस बड़े भाई के रूप में छोटे भाइयों को उचित सम्मान देने के लिए तैयार है। और रही बात सीट बंटवारे की, तो चुनाव नजदीक आने दीजिए, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, सबको अपनी क्षमता अनुसार सम्मानजनक सीट दी जाएगी और सब मिलजुल कर कांधे से कांधा मिलाकर भाजपा को और एनडीए को सत्ता से खदेड़ने का काम करेंगी। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, क्या लगता है कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए और बढ़ती जा रही है? आप लोगों के जो सहयोगी है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी गठबंधन है वो मजबूत होता जा रहा है? देखिए, सही मायने में अगर हम बात करें जिस तरीके से हिंदी अलायंस और उसमें समाजवादी पार्टी अपनी सीट की जो बात है, जो कही है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत कुशल रणनीति के साथ में चुनाव लड़ा जिसका लाभ जो है कांग्रेस को भी मिला। कांग्रेस के पास में अब समय आ गया है, चूंकि वहां पर दो विधायक महाराष्ट्र में इनके हैं समाजवादी पार्टी के, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि इंडी अलायंस के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी को वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। रही बात हमारे सामने, देखिए किसी भी सूरत में दो पार्टियां आमने सामने रहेंगी, हम और हमारा विपक्ष, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के रूप में रहे चाहे किसी भी रूप में, हम अपनी जनता के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में हम डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट को लेकर के जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, हम उस मुहिम में सदैव जो है पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सभी संस्थाएं जो है वो करती रहेंगी, उन्हें किसी भी सूरत में रोकने का प्रयास नहीं बल्कि उनको पूरी छूट दे करके भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी आधार पर जो डेवलपमेंट है और जिस तरीके से आगे आने वाले समय में भारत तीसरी इकोनॉमी बनने की तैयारी में उसमें महत्वपूर्ण रोल जो है महाराष्ट्र का भी रहने वाला है, तो उसके सभी चुनावों में हमारी भागीदारी जो है वहां के जनता के बीच में एक बेहतर तरीके से काम करने की रहेगी और मुझे लगता है वहां की जनता जो है हमारे वोट को, हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिता करके और सत्ता में बनाए रखेगी। ठीक है, लेकिन शिव कुमार दुबे जी, क्या फॉर्मूला आप लोगों का रहेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ा तो पीडीए के फॉर्मूले के साथ आप धरातल पर उतरे, एक कुशल रणनीति आपने साधी और उसको आगे कामयाब करने में, बढ़ाने में कामयाब भी रहे। अब सवाल इस बात को लेकर है जब महाराष्ट्र में जाएंगे तो किस फॉर्मूले के साथ जाएंगे? नहीं, पीडीए हमारा कंटिन्यू रहेगा, पीडीए के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पीडीए पीडीए है और पीडीए रहेगा भी और पीडीए को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए उसमें तो कहीं कोई सवाल ही नहीं होता है। और पीडीए में तो हमारे में सब आ जाते हैं ना, हमने आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो सीट सेविंग रहा है, हर जात धर्म वर्ग का सबका ख्याल रखा, उसी के अनुसार उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसी का रिजल्ट ये रहा कि हम 37 सीट, वो तो भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी नहीं करती तो निश्चित तौर पर हम 45 सीट खुद के जीतते, कम से कम 45 सीट है, जहाँ 1000-2000 के मार्जिन पे इन्होंने बेईमानी करके जीत ली है 5-7 सीट, तो वो भी सीट हमारी थी, लेकिन ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन वही देखिए आप लोग फिर ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, अगर ऐसा ही होता तो आपकी इतनी सीटें भी नहीं आती ना। दे रहा है साथ साथ दिखाई दे रहा है तो वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं कोई मजबूरी थोड़ी ना बोलना, क्यों बोलना पड़ेगा? तो बोलना इसीलिए पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा ना कर पाए ये लोग। अच्छा, इसलिए पहले से ही पिछा रहे हैं क्या? पहले से ही पूरी रणनीति बना रहे कि हम की ईवीएम पे पूरा ठीकरा फोड़ देंगे, चुनाव आयोग पे फोड़ देंगे, ये कौन सी बात हुई? अगर इतनी गड़बड़ी होनी थी तो 37 सीटें भी नहीं आती आपकी। इन्होंने काउंटिंग में भी हेरा फेरी की है भाई,
कलेक्टर ने डायरेक्ट 1000-2000 इधर हेरफेर करके जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी को दे दिया है। तो आप रिकाउंटिंग करवा लेते ना सर, रिकाउंटिंग करवा लीजिए, ये तो ऑप्शन आप लोगों के पास है। 7 दिन के अंदर आप लोग फिर से कह देते कि नहीं हमें तो जी रिकाउंटिंग करानी है। जब कोर्ट ने कह दिया कि राजनीतिक पार्टियां, अगर आप लोगों को डाउट है किसी भी तरह का तो आप रिकाउंटिंग कर, जब कोर्ट कह रहे हैं आपको तो 7 दिनों के अंदर आपको करा लेना चाहिए था। और नहीं कराया तो उसके बाद इस तरह की बातें करना कि नहीं जी ईवीएम ऐसा है, चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, अधिकारियों ने ऐसा कर दिया, तो ये बेमानी मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए सर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मीडिया ही बोल रही है। कौन मीडिया बोल रही है सर, किसी पे ठीकरा मत फोड़िए ना, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करिए ना। हम तो जानते ही हैं, लेकिन हमने तो ठीक है अपने कार्यकर्ताओं में संदेश दिया है, लेकिन जब मीडिया बोलती है तो पूरी दुनिया सुनती है ना उसको। आप जो बोल रहे हैं वही पूरी दुनिया सुन रही है, देख रही है। क्या समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जब मीडिया बोलती है तो हमें भी बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, एक एक सवाल इस बात को लेकर है शान जी, क्योंकि देखिए एक कंपटीशन और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा समाजवादी पार्टी के आने से, जो आप लोगों का जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन है उसमें क्या एक कंपटीशन और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां तक खबरें आ रही है वो ये कहा भी जा रहा है कि तकरीबन 12 सीटों की मांग महाराष्ट्र में की जा रही है, तो कैसे दीजिएगा? या तो शिवसेना को भी संतुष्ट करना है, शरद पवार की पार्टी भी, फिर आप लोग खुद की भी, आप लोगों की अपनी डिमांड है, क्योंकि इस इंडिया ब्लॉक में सबसे लार्जेस्ट पार्टी आप लोग रहे हैं लोकसभा चुनाव में, ऐसे में कैसे संतुष्ट किया जाएगा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को? देखिए नेहा जी, जब कोई भी गठबंधन होता है तो उसमें उस गठबंधन के घटक दलों को कुछ ना कुछ त्याग देना पड़ता है, तो निश्चित रूप से हमें त्याग देना पड़ेगा। और इस भाजपा की जन विरोधी सरकार को, घोटालेबाज सरकार को हटाने के लिए हमने लोकसभा चुनाव में भी त्याग दिया और उसका परिणाम देश ने देखा। हमने लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से महाराष्ट्र में भाजपा समेत इनके सारे घटक दल, एनडीए के घटक दलों का सुपड़ा साफ किया, ये जनता ने देख लिया। और महाराष्ट्र की जनता ने ये संदेश दिया मोदी जी को और अमित शाह जी को कि महाराष्ट्र में उनकी तोड़ फोड़ की खरीद फरोख्त की नीति नहीं चलेगी। महाराष्ट्र की जनता ने अपनी चतुराई, अपने साहस, अपने विवेक का परिचय दिया। और रही बात अभी पीडीए की बात हो रही थी तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो भाजपा की केंद्र में सरकार चल रही है और जो इनकी राज्यों की सरकार है वो भी पीडीए फॉर्मूले पे ही चल रही है। पी से पूंजीपति, डी से धन्ना सेठ और ए से अमीर, ये केवल 3 वर्गों का विकास कर रहे हैं। और आज देश में देख लीजिए, जो आर्थिक असमानता की खाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और धन्ना सेठ और अमीर होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई गरीबों की है, ये लड़ाई पिछड़ों की है, ये लड़ाई उन शोषितों वंचितों की है जिसके हक अधिकार को छीन कर भाजपा खा रही है और अपने उद्योगपतियों धन्ना सेठों को खिला रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हमने त्याग दिया और सब एकजुट मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा को धूल चटाई, उसी प्रकार से आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हर प्रदेश में भाजपा को एकजुट होकर धूल चटाने का काम करेंगे। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए कहा जाता है ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की, ये बंद मुट्ठी हो उसी यूनिटी के साथ अब चुनाव लड़ने की बात कर रही है इंडिया ब्लॉक। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी भी कह रही कि देखिए हम भी यहाँ पर अपना अपनी किस्मत आजमाएंगे, 2 विधायक ऑलरेडी उनके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने होगी, क्योंकि अजीत पवार गुट की अगर हम बात करें तो वहां शरद पवार के साथ बातचीत करना, नेताओं के साथ बातचीत करने का सिलसिला चल रहा है, यानी कि जो अजीत पवार की पार्टी है कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। 4 जो नेताओं ने इस्तीफा दिया वो भी एक बड़ा लॉस अजीत पवार को है। तो ना सिर्फ अजीत पवार को बल्कि एनडीए को लॉस है, नेता अगर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो एनडीए को लॉस है ना वो। तो अब ऐसे में यहाँ पर एकजुटता दिखाई जा रही है, वहां पर लॉस पे लॉस हो रहा है, ये जो बीच का डिफरेंस है इसे कैसे देखते हैं आप शांत प्रकाश जाटव जी? देखिए सही मायने में कोई भी चुनाव जो है वो अपनी कार्यकुशलता के कारण से लड़ा जाता है। इन्होंने अभी जो लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह करके, झूठ बोल करके, झूठ का पुलंदा बना करके, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, 8500 रुपए हम जो है हर माह जो है महिलाओं को देंगे, इस प्रकार के झूठ के आधार पर इन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। ये किसी भी सूरत में इसको जीत नहीं कहा जाएगा, बल्कि जनता के साथ में
धोखा कहा जाएगा और वो हुआ भी है, जनता इस चीज को समझ भी रही है। हमने सभी प्रदेशों में जहां मतलब हमारी सरकारें नहीं है वहां पर भी हमने पूरी निष्पक्षता के साथ काम किया। जिन लोगों के पास मकान नहीं थे उनको वहां पर मकान दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, शौचालय दिए। हम कृषि योजना में जो पैसा है वो लगातार पैसा अनवरत 13 करोड़ लोगों को हम बांट रहे हैं। हम मुफ्त राशन हर किसी को दे रहे हैं जो भी जरूरतमंद है। तो हमारा जो एजेंडा है काम करने का जनता के बीच में वो 100% काम कर रहा है। ठीक है। और जनता हमारे डेवलपमेंट के कामों को भी देख रही है, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन इंटरनेट, टेली कम्युनिकेशन यहाँ पर की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इंडिया ब्लॉक से अब चुनाव लड़ा जाएगा, क्या लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के हाथ लगने की उम्मीद और जताई जाए या इस रणनीति को किस तरह से देखते हैं आप? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। शान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वो गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो उनसे मेरा यही प्रश्न था कि आप राशन उनको गरीब समझ के दे रहे हैं, यानी 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं, तो विकास कहां पर हुआ? फिर आप विकास की बातें क्यों करते हो कि हमने विकास कर दिया, विकास कर दिया, जब 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि वो सरकारी राशन पर निर्भर हो चुके हैं, तो विकास हुआ कहां पर? शांत प्रकाश जाटक जी हमारे साथ अभी नहीं है इस डिबेट में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्या आप लोगों का एजेंडा है, किस एजेंडे को लेकर आप अब जनता के बीच में जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनाए, हम ऐसा क्या करेंगे? देखिए, हमारा एक सूत्री एजेंडा है, वो एक है जनहित। जनता के हितों का जो भी हनन किया गया पिछले 10 वर्षों में, चाहे वो केंद्र की सरकार ने किया हो, चाहे भाजपा और एनडीए की राज्य की सरकारों ने किया हो, ये पूरा पूरा देश और पूरी दुनिया देख रहा है किस प्रकार से भारत में भाजपा की सरकार ने गरीबों के संसाधनों को लूटा, गरीबों के अधिकारों को लूटा और संघ उद्योगपति और धन्ना सेठों की तिजोरियां भरने का काम किया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बदले में उद्योगपति और धन्ना सेठों से भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ रुपए ऐंठ दिए। तो कहीं ना कहीं गरीबों का हित जो लूटा जा रहा है, उनके उनके हिस्से के जो संसाधन लूटे जा रहे हैं, उनका जो धन लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से ये लड़ाई देश का गरीब पिछड़ा और देश का शोषित वंचित वर्ग जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा को बुरी तरीके से हम पराजित करेंगे। जी ठीक है, लेकिन ये बताइए मुझे कि समाजवादी पार्टी जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, महाराष्ट्र में आप लोगों का गठबंधन इससे कितना मजबूत हो रहा है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के और आ जाने से इस गठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी क्या? समाजवादी पार्टी केंद्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में यदि वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो पूरा इंडिया गठबंधन का पूरा परिवार, जो महाराष्ट्र में जितने भी घटक दल है, वो साथ में बैठेंगे और सबको क्षमता अनुसार सम्मानजनक सीटें भी मिलेंगी। सब मिलकर प्रचार करेंगे, मिलकर कार्यकर्ता कांधे से कांधा लड़ाकर चुनाव लड़ेंगे, और जैसे लोकसभा चुनाव में हमने पछाड़ा है महाराष्ट्र में एनडीए को, वैसे विधानसभा के चुनाव में भी हम सब एकजुट होकर जनता की लड़ाई को लड़ेंगे और भाजपा का डब्बा गोल करेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाएंगे। ठीक है, कौन से नेता के नेतृत्व में शिव कुमार दुबे जी चुनाव आगे लड़ा जाएगा? अबू आजमी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा क्या? नहीं, अबू आजमी तो हमारे नेता है ही, उसमें महाराष्ट्र में अगर कोई नेता का सबसे पहले नाम आता है तो अबू आजमी जी का आता है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में हम जाएंगे। महाराष्ट्र में उनकी जो पकड़ है वो किसी से छिपी नहीं है, तो हमारा हर कार्यकर्ता उनको पहचानता भी है, पॉपुलर नाम है, तो सबको इजिली मिल सकते हैं, कार्यकर्ता इजिली उनसे कॉन्टेक्ट करता है, तो निश्चित तौर पर जब ऐसा हमारे पास नेता है तो हम उन्हीं को लेके आगे बढ़ेंगे और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में एक नेता ने कहा है कि 12 सीटों पर हम दावा कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में गठबंधन पे 12 सीटों पर जो बातचीत है वो हो। 12 है, 15 है, 20 है, संख्या की कोई बात ही नहीं है। अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी तो उसके बाद जब चुनाव आएगा ये चीज तब की है कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे। तो अभी तो इतना ही कंफर्म कह सकता हूँ कि हम गठबंधन के साथी हैं और हम गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी, गठबंधन में आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक उम्मीदें तो होती है ना सर, आशाएं तो होती है ना,
कि हम 2 सीटों पर लड़ेंगे, 4 सीटों पर लड़ेंगे, 8 सीटों पर लड़ेंगे, 12 पे लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की, नेताओं को संतुष्ट करने की बात तो होती है ना, कि अगर वहां पर हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो कम से कम इतनी सीटें तो हमें चाहिए। ऐसी कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों की, वो तो स्पष्ट करिए कम से कम। तो बातचीत होती है, बातचीत किसके लिए होती है, बैठके किसके लिए की जाती है? बातचीत तो आम सहमति बनाने के लिए होती है, लेकिन उम्मीदें तो आप खुद पाल के जाते हैं ना। बातचीत तो आम सहमति बनाने के लिए होती है कि तमाम नेता बैठेंगे, तमाम पार्टियों के नेता बैठेंगे, तो सहमति बनेगी। हम लोग जहाँ पे मजबूत हैं उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है, और जहाँ पर हम मजबूत हैं फिर उन्हीं सीटों को चिन्हित करके हम अपनी बात कर रखेंगे। कहाँ कहाँ पे आप चुनाव लड़ सकते हैं ये तो बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ पर आपको अपनी मजबूती दिख रही है? अभी रनिंग प्रोसेस में है, ये सब चीजें अभी नहीं हो रहा है। अब ये रनिंग, ये प्रोसीजर चल रहा है, जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्थिति आती है कि हाँ भाई ये सीटें पर हम लड़ेंगे। अब वो भी लड़ेंगे का मतलब ये कि जब मीटिंग होगा, बैठक होगी, बैठक में हम अपनी बात रखेंगे, गठबंधन के दूसरे साथी अपनी बात रखेंगे, फिर उसमें से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो सम्मान होगा। ये कहा जा रहा है कि नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव में भी शिरकत करने की तैयारी आप लोगों की चल रही है? हाँ, तो मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोला, हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि उसकी बढ़ोतरी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे वो नगर पालिका की हो, चाहे एमएलए की हो या एमपी की हो। ठीक है, चलिए, आपकी उम्मीदें हैं, आपकी आशाएं हैं, लेकिन फिर शिवसेना और एनसीपी अगर उत्तर प्रदेश में आके आपसे सीटें मांगेंगी तो आप देंगे क्या? तो अगर, अरे वही स्थिति जिस हिसाब से उनकी स्थिति होगी हम उनको भी देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो वो तो यही जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला है कि जिसकी जैसी वो होगी पोजीशन उसके हिसाब से सीट दी जाएगी। चलिए, आपकी भी क्या पोजीशन है महाराष्ट्र में ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी विस्तार की रणनीति बना रही है, लेकिन इस विस्तार में कितनी कामयाब हो पाती है और नेशनल पार्टी का तमगा क्या ले पाती है, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।